चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर की नगरी कहे जाने वाली अवंतिका नगरी या उज्जैन अपने आप में बहुत अद्भुत है। शिप्रा नदी के किनारे बसे और मंदिरों से सजी इस नगरी को सदियों से महाकाल की नगरी के रूप में जाना जाता है। हालांकि हजारों साल के कालखंड में उज्जैन नगरी को अवंतिका, कनकश्रृंगा, कुशस्थली, भोगस्थली, अमरावती जैसे कई नामों से जाना गया। महाकाल की भूमि उज्जैन को लेकर तमाम रहस्य हैं। कहा जाता है कि उज्जैन पूरे आकाश का मध्य स्थान है, यानी यही आकाश का केंद्र है। साथ ही उज्जैन पृथ्वी का केंद्र भी है, यानी यही वो जगह है जहां से पूरे ब्रह्मांड का समय निर्धारित होता है। इसी जगह से ब्रह्मांड की काल गणना होती है। समय का केंद्र मानी जाने वाली इस धरती को इसीलिए महाकाल की धरती कहा जाता है। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसी क्या मान्यता है कि कोई भी राजा या मुख्यमंत्री उज्जैन में रात बिताने से डरता है। क्या है मान्यता? दरअसल उज्जैन में रात को रुकने को लेकर एक मिथक है और यह मिथक काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। इसी मिथ के चलते यहाँ कोई भी राजा, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति या देश का प्रधानमंत्री कभी भी नहीं रुकता। मालूम हो कि बाबा महाकाल को उज्जैन का राजा धीराज माना जाता है। ऐसी धारणा है कि एक राज्य में कभी भी दो राजा नहीं रुक सकते। अगर कोई रुक भी जाता है तो उसे खामियाजा भुगतना पड़ता है। आज भी लोग इस परंपरा को निभा रहे हैं। वर्तमान में भी कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसे लोग इस मिथक से जोड़कर देखते हैं। कहा जाता है कि राजा महाराजा युग की समाप्ति के बाद यानी आजादी के बाद जब देश के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई महाकालेश्वर के दर्शन करने पहुंचे और उज्जैन में एक रात रुके तो उनकी सरकार अगले ही दिन गिर गई। इसके अलावा कर्नाटक के सीएम वाईएस येदियुरप्पा भी एक दिन उज्जैन में रात को रुके थे, तब 20 दिनों के अंदर ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। वहीं वर्तमान में सिंधिया राजघराने के राजा ज्योतिराज सिंधिया भी उज्जैन में रात को नहीं रुकते। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहां नहीं रुकते। सिंहस्थ के दौरान वो दिन में उज्जैन में होते हैं और रात होते ही भोपाल लौट आते थे। मंदिर से जुड़े रहस्य और सिंहासन बत्तीसी के अनुसार राजा भोज के समय से ही कोई भी राजा उज्जैन में रात्रि निवास नहीं करता। अगर बात की जाए मंदिर की संरचना की तो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव विराजमान है। मंदिर के 3 भाग हैं, जहां सबसे नीचे ज्योतिर्लिंग है। भगवान शिव के साथ यहां माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय विराजमान है। बीच वाले हिस्से में ओंकारेश्वर मंदिर और सबसे ऊपर नागचंद्रेश्वर मंदिर स्थित है। बता दें कि भगवान शिव का यह एकमात्र मंदिर है जहां भस्म आरती की जाती है और इसे देखने के लिए दुनिया भर के लाखों पर्यटक यहां आते हैं। मान्यताओं के अनुसार उज्जैन में महाकाल के प्रकट होने और मंदिर की स्थापना से जुड़ी एक कहानी है। इस कहानी के अनुसार दूषण नामक असुर से उज्जैन निवासियों की रक्षा करने के लिए भगवान शिव महाकाल के रूप में प्रकट हुए थे। महाकाल द्वारा असुर के वध के बाद भक्तों ने भगवान शिव से उज्जैन प्रांत में ही निवास करने की प्रार्थना की, जिसके बाद महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां पर विराजमान हो गए। वर्तमान मंदिर को श्रीमान राणाजीराव शिंदे ने 1736 में बनवाया था। इसके बाद श्रीनाथ महाराज, महादजी शिंदे और महारानी बायाजाबाई शिंदे ने इस मंदिर में कई बदलाव किए और समय समय पर मरम्मत भी करवाई थी। तो जैसा कि हमने आपको शंकर की नगरी कहे जाने वाली अवंतिका नगरी या उज्जैन नगरी के बारे में आपको बताया और ये भी बताया कि यहाँ पर कैसे भगवान शिव जी की भस्म से आरती की जाती है और यहाँ पर कोई राजा या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या मुख्यमंत्री क्यों नहीं रुकता। इसके साथ ही यहाँ पर जो भस्म आरती की जाती है उसके पीछे भी कई रहस्य है। इसके बारे में हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेंद्र।